विराट कोहली भले ही कप्तानी छोड़ चुके हों, लेकिन उनका अग्रेशन अभी भी बरकरार है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले वनडे मैच में अफ्रीकी कप्तान से कोहली की नोकझोंक हो गई। यह पूरा मामला उस वक्त हुआ जब अफ्रीकी कप्तान बाउमा बैटिंग कर रहे थे। 35वें ओवर के दौरान कोहली ने एक बहुत तेज थ्रो विकेटकीपर ऋषभ पंत के पास फेंकी, जो तेंबा बाउमा के लग सकती थी। इसी पर तेंबा बाउमा भड़क गए और कोहली को बुरा भला कहने लगे, पर विराट कोहली भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी बाउमा को जवाब देना शुरू कर दिया, जिससे अफ्रीकी कप्तान समझ गए कि उन्होंने बेवजह विराट से पंगा ले लिया और उन्होंने चुप होने में ही बेहतरी समझी। हालांकि विराट ने बॉल स्टंप पर मारने की कोशिश की थी। हालांकि इस मैच में अफ्रीकी कप्तान और वेंडेट एडरसन ने शानदार बल्लेबाजी की और दोनों ने ही शतक लगाकर साउथ अफ्रीका का स्कोर 296 तक पहुंचाया और इसी के नतीजे में साउथ अफ्रीका की टीम पहला वनडे जीतने में कामयाब रही।